मैं सरदार सिंह सियाचारी भूगोल एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज बीएम। आज विद्यार्थियों आपको बीए पार्ट सेकंड में प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के बारे में कुछ स्टडी कराएंगे और उसमें सबसे पहले आपको आरे के बारे में जानकारी देंगे, डायग्राम के बारे में। तो इसमें सबसे पहला है इकाई वर्ग आरेख। ये आरेख बनाने की सरल विधि है और इसमें किसी भी आरेख को एक उचित मापनी इसमें मान लेते हैं, जैसे एक इकाई वर्ग बराबर 1000 क्विंटल या 1 लाख रुपए, और इस तरह से उस इकाई के बराबर वर्ग बना लिए जाते हैं, उनकी संख्या ज्ञात कर ली जाती है और वो वर्ग समान दूरी के अंतर पर बना लिए जाते हैं। इन आरेखों का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें वर्गों की संख्या गिनकर प्रदर्शित की जाती है, जैसा कि नीचे आपके यहाँ एक्सरसाइज दे रखी है। जैसे भारत में अनाजों का उत्पादन 1978-79, उसमें जो अनाज है उसमें चावल, गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा और जौ, उत्पादन मिलियन टन में। तो इसमें सबसे पहले हम विद्यार्थी क्या करेंगे कि चावल के लिए, फिर गेहूँ के लिए, ज्वार के लिए, मक्का के लिए, बाजरा के लिए, जौ के लिए आपको इकाई वर्ग बनाने और 1 मिलियन टन अनाज के बराबर, एक इकाई वर्ग को 1 मिलियन टन अनाज के बराबर मान लिया जाए। तो स्पष्ट है कि आरेख में चावल, गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा तथा जौ की मात्रों को प्रकट करने वाले वर्गों की जो संख्या होगी, यानी 53.5 के अंदर एक का भाग दिया तो इसमें 54 वर्ग बन जाएंगे। 53.5 का मतलब उसको राउंड फिगर में पूरा मानना है। सेकंड के अंदर 35 वर्ग बनेंगे। ज्वार के लिए 11.5 यानी 12 वर्ग बनेंगे। मक्का के लिए 6.5 मतलब 7 वर्ग बनेंगे। फिर 5.5 बाजरा 6 बनेंगे और लास्ट के अंदर जो के लिए 2, क्योंकि हमने पैमाना ऐसा माना है एक वर्ग को 1 मिलियन टन। अगर हम एक वर्ग को 5 मिलियन टन बोलते हैं तो सबके अंदर 5 का भाग लग जाता है। 1 मिलियन वर्ग बराबर 4, एक इकाई वर्ग बराबर 4 मिलियन टन बोलते हैं तो सबके अंदर 4 4 का भाग लग जाता है। तो ये इस तरह से वर्ग बनाए गए हैं। ये विद्यार्थियों आपके सामने वर्ग बने हुए हैं जिसमें सबके अलग अलग वर्ग बना दिए, जिसमें मेज, बाजरा, बार्ले या ऊपर पैमाना भी दे रखा है 1 मिलियन टन। अब हम विद्यार्थियों जो आपके लिए मेन जो एग्जाम में अक्सर प्रैक्टिकल के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो है वर्गाकार ब्लॉक आरेख, स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम जिसको कहते हैं। इसके अंतर्गत ये उदाहरण दिया हुआ है, निम्नलिखित उदाहरण 8 में दिया हुआ है, आंकड़ों की सहायता से एक वर्गाकार ब्लॉक आरेख बनाइए और इसका पैमाना भी इसमें मान गया, एक इकाई वर्ग यानी एक वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन टन मापनी ली जाए। तो भिन्न भिन्न अनाजों का जो उत्पादन है वो मात्राओं को प्रकट करने वाले वर्गों की भुजाओं को निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। देखिए विद्यार्थी, इसमें सबसे पहले अनाज, फिर उत्पादन मिलियन टन और फिर वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग की एक भुजा की लंबाई। तो आपको अनाज और उत्पादन मिलियन टन में ये दो तरह के आंकड़े आपको, यानी तो अनाज कौन कौन से हैं वो लिखा होगा, उत्पादन मिलियन टन है ये आपको दिया हुआ होगा। पैमाना आप लोगों को मानना है 53.5 के अंदर 2 का भाग देना है या 4 का देना है या 5 का देना है, जो भी संख्या, जिस संख्या का भाग दे रहे हो सबके अंदर सेम संख्या का भाग लगेगा। जैसे एग्जाम्पल इसमें माना हुआ है एक वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन टन, ये पैमाना माना हुआ है। तो प्रत्येक संख्या के अंदर दो दो का भाग दिया, 53.5/2, 35.0/2, 11.5/2, 6.5/2, 5.5/2 और 2.0/2। तो इसके द्वारा जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो गया पूरा वर्ग का, 26.75, 17.5, 5.75 वर्ग इकाई, 3.25 और फिर उसके बाद 2.75
और 1.0। तो फिर विद्यार्थियों, ये तो अपनों वर्क का क्षेत्रफल हो गया। अब चूंकि आप जानते हो वर्क की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो एक वर्ग की भुजा की लंबाई अब ज्ञात करनी है। तो एक वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है अंडरवुड, यानी 26.75 अंडरवुड, अर्थात एक भुजा की लंबाई 5.17 सेंटीमीटर आई है। दूसरा है 17.5 अंडरवुड, यानी एक भुजा की लंबाई 4.18। फिर 5.75 यानी 2.39, 3.25 अंडरवुड किया 1.80, 2.75 1.65, फिर 1 का 1। तो इस तरह से विद्यार्थियों, जो पहला वर्ग बनेगा उसकी भुजा की लंबाई होगी 5.17 सेंटीमीटर, यानी एक बॉक्स आपको बनाना है 5.17, यानी चारों भुजाएं आपको बनानी है 5.17, 5.17 और 5.17 और 5.17। उसके बाद में दूसरा जो वर्ग बनेगा वो है 4.18, चारों भुजाएं आपको बनानी है, यानी उसका वर्ग बनाना है। लेकिन दोनों वर्गों के बीच में डिस्टेंस है 1 या 2 सेंटीमीटर के बीच में रखना है। दोनों की जो बेस्ट लाइन है वो एक सीध में होनी चाहिए, ऊंचाई में भिन्नता होगी लेकिन उनकी बेस्ट लाइन आपको एक रखनी है। जैसा कि ये चित्र आपके सामने दे रखा है, प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स इन इंडिया, तो इसमें जो सबसे पहला दे रखा है चावल, तो ये चावल के लिए 5.17, 5.17 चार भुजाएं इसके बराबर राइस, उसके बाद में 1 सेंटीमीटर गेप दे करके उसी लाइन की सीध में आपको 4.18 सेंटीमीटर का वर्ग बनाना है। तीसरा 2.39 सेंटीमीटर का वर्ग बनेगा, तीसरा 1.80 सेंटीमीटर का वर्ग, फिर मक्का के लिए, फिर बाजरा के लिए 1.65, फिर लास्ट में जौ बार्ले के लिए 1.01। तो ये एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल के अंदर आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर विद्यार्थी हम बात करें हम जो है ये आंकड़े किसी प्रकार से हो सकते हैं और पैमाना भी इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जरूरी नहीं है कि 53.5 डिवाइडेड बाय 2, इसकी जगह जैसे क्वेश्चन के अंदर उदाहरण 9 के अंदर एक वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन टन लिखा हुआ है, तो 2 मिलियन टन की जगह 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, अपनी सुविधा अनुसार आपको लेना है। वर्ग प्रैक्टिकल के अंदर इतने छोटे भी नहीं होने चाहिए कि सीट पे बनाने में दिक्कत आ रही है, और ज़्यादा बड़े भी नहीं होना चाहिए जिससे कि सीट के बाहर निकल जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को विद्यार्थियों ये इस तरह से ऊपर लिखना है, स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम टाइटल आ जाएगा इसका, स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम। फिर नीचे वाली लाइन आएगी प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स इन इंडिया, ये सेकंड नंबर लाइन होगी, मेन टाइटल होगा स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम। फिर विद्यार्थियों आपको ब्लैक पेन से राइस, वीट, ज्वार, मेज, बाजरा और बॉर्ले, ये आपको अलग अलग वर्क बनाने हैं। फिर उनके नीचे आपको पैमाना मानना है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का वर्ग आपको बनाना है और उसमें लिखना है 2 मिलियन, ये इसका पैमाना हो गया आपका। और उसके बाद में आपको इन बॉक्स को या तो आपको डार्क कर लेना है और या इसके अंदर तिरछी लाइन खींच दें। तो ये विद्यार्थियों आपके था वर्गाकार ब्लॉक आरेख। थैंक यू।